everyone, very good evening to all of you. Welcome to Shri Ram's IAS YouTube channel. This is your mentor Arsu Kakkar, where daily we used to have this session of news analysis. आज जो हमें डिस्कस करना है, there is a list in front of you and ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लंबी लिस्ट है, but don't worry, things are very easy and we'll take it one by one in a very comprehensive manner. और जो आज चर्चा का विषय रहेगा, जिन्हें फिल्म्स में इंटरेस्ट है और 69th नेशनल फिल्म अवार्ड, जिन्हें बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, मूवीज़ देखने का शौक हो, तो वो तो काफ़ी अच्छे से इस चीज़ को कवर करेंगे आज. ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद व्हाट वी हैव टू डील विद टुडेज आर्टिकल्स जो कवर करने हैं. मैं आपको एक इन ब्रीफ बता देती हूँ. अस्त्र मिसाइल कैसी है जी, डिफेंस से आप इसको लिंक कर सकते हो आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. पेंच टाइगर रिजर्व मैंने आपको कल होमवर्क दिया था और भूला था कि आप इसको खुद से देखोगे. फिर जो बाकी चीज़ें हैं, आई टॉक अबाउट इट टुडे सो दैट यू कैन लिंक इट कि आपने कल कैसे कवर किया था. अभिषेक ने आंसर दिए इसमें चार्ट सेक्शन में. वेरी नाइस अभिषेक, गुड टू सी योर आंसर्स. एंड मैं बाकी सबसे भी यही उम्मीद करती हूँ कि प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में अपने आंसर ज़रूर लिखा करो. जो होमवर्क दिया जाता है वो किया करो, वो सिर्फ आप ही के फ़ायदे के लिए, इससे मेरा कोई फ़ायदा नहीं. है ना, सो मेक श्योर दैट यू आर रेगुलर विद दीज सेशंस एंड यू फॉलो दी होमवर्क जो आपको दिया जा रहा है. सिर्फ स्पून फीडिंग से बात नहीं बनती है, खुद से भी चार चीज़ों को स्क्रोल करना पड़ता है. कौन सा आपका आधा घंटा चाहिए? होमवर्क हार्डली नीड योर 5 मिनट्स, क्योंकि मैं ऐसा ही होमवर्क देती हूँ. बाकी चीज़ें हम सेशन में कवर कर लेते हैं, राइट. सो ये देखेंगे वर्ल्ड वाटर वीक, काफ़ी चीज़ें हैं. करंट स्टेटस अभी जल जीवन मिशन इसी के विद रिस्पेक्ट टू में, क्या चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं, ये आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से है स्पेसिफिकली. सो हम इसको उसी तरीके से देखेंगे. हालांकि मैं आपको ऑब्वियसली आई टॉक अबाउट थीम्स एंड वेरियस अदर थिंग्स, सो वो तो विल टॉक अबाउट, बट हम इसको मेंस के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा देखते हुए इसके आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी कवर करेंगे. सो आप इसको जीएस पेपर 2 से भी लिंक कर सकते हो और आप इसको जीएस पेपर 3 से भी लिंक कर सकते हो. सो ये दोनों जगह से लिंक होता है. देन यू हैव मिशन अमृत सरोवर. क्या है मिशन अमृत सरोवर? ये आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, राइट. सो इसको भी इन डिटेल विल हैव अ लुक ओवर इट, राइट. देन यू हैव दिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जम्बूगोड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? वैसे नया सा नाम है ना, तो ऐसा लगेगा कि कवर करना है नहीं करना है, पूछा भी जाएगा या नहीं पूछा जाएगा. डेफिनेटली पूछा जाएगा. आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखो, आपको पता चलेगा ऐसी ऐसी सेंचुरीज के नाम होंगे. कहीं कहीं तो ऐसा लगेगा हमने सुने ही नहीं थे कभी ये पहले. सो एवरीथिंग यू हैव टू कवर, राइट, जो भी न्यूज़ में आ जाता है. फिर उसके बाद बिद्री वर्क पेयर. अब ये क्या है बिद्री वर्क, किससे एसोसिएटेड है, क्यों न्यूज़ में है, वो देखेंगे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. एंड देन 69th नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2023 जो अभी न्यूज़ में है, चर्चा का विषय है, तो चर्चा कर लेते हैं इसके ऊपर. और सेशन अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग दीज लेक्चर्स. यू कैन शेयर इट विद अदर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल. गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी देखी है सबने, एंड आलिया भट्ट किस किस की फेवरेट है, कृति सैनन, अल्लू अर्जुन. सो इन सभी ने देवर द विनर्स लिस्ट में. अब कौन कौन सी कैटेगरी में है वो आपको मैं भी बताती हूँ. तो 69th नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2023 कंप्लीट विनर्स लिस्ट. सो बेस्ट मूवी, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, थोड़ा सा मतलब चर्चा का विषय है, करंट में चल रहा है तो आपको मालूम होना चाहिए. 69th नेशनल फिल्म अवार्ड्स दे वर अनाउंस्ड एट नेशनल मीडिया सेंटर. कहाँ पर? नई दिल्ली में, थर्सडे को ही. तो सेरेमनी वॉज हेल्ड एंड जो 2021 की जो बेस्ट फीचर एंड नॉन फीचर फिल्म्स दैट वर सर्टिफाइड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, राइट. तो ये ध्यान में रखना, फीचर एंड नॉन फीचर फिल्म सर्टिफाइड बाय CBFC between 1st of January 2021 to 31st of January 2021. So 2023 के अवार्ड्स हैं नेशनल फिल्म अवार्ड 2023, लेकिन जो मूवीज हैं, जो फिल्म हैं, वो इस साल के बीच की हैं. दे वर एलिजिबल फॉर द कंटेंशन, राइट. और कौन देता है ये अवार्ड? ऑनर्ड बाय प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, राइट. सो बेस्ट फीचर फिल्म अगर आपसे पूछ ली जाए, रॉकेटरी, जिन्होंने देखी हो बताना जरा चार्ट सेक्शन में. बेस्ट डायरेक्टर निखिल महाजन. बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट RRR.
नरगिस दत्त अवार्ड फॉर द बेस्ट फीचर फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन कश्मीर फाइल्स, बेस्ट एक्टर अलू अर्जुन, पुष्पा सबने देखी ही होगी मूवी, देन बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट फॉर गंगूबाई काठियावाड़ी एंड कृति सेनन फॉर मिमी। सो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो अभी काफ़ी न्यूज़ में थी। अब थोड़ा सा मैं आपको और डिटेल में बताऊँ अबाउट नेशनल फिल्म अवार्ड्स। हर साल नेशनल फिल्म अवार्ड्स दे सर्व एज अ सिंबल ऑफ ऑनर फॉर इंडियन सिनेमा। कौन सी मिनिस्ट्री एसोसिएटेड है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग डायरेक्टोरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल ओवरसीज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दीज अवार्ड्स। जो फिल्म है उन्हें ऑनर किया जाता है जिन्होंने आउटस्टैंडिंग एस्थेटिक, टेक्निकल क्वालिटीज, सोशल इम्पोर्टेंस ये सब डेमोन्स्ट्रेट किया हो, मतलब दे हैव दैट मीडियम फॉर बोथ आर्ट एंड इम्पैक्ट भी डाला हो सोसाइटी पे। सो इट बिगिन रिकॉग्नाइजिंग परफॉर्मर्स एंड क्रू मेंबर्स हु कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द फिल्म 1967, तब ये शुरुआत हो गया था। एंड पहला एक्टर, फर्स्ट एक्टर टू रिसीव द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड, एंड द नेम इज फॉर हर रोल इन रात और दिन, नरगिस वॉज द फर्स्ट एक्टर टू रिसीव द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड। ठीक है, इसी के साथ ये था चर्चा का टॉपिक। अब चर्चा से आगे बढ़ते हैं और हमारे मेंस का आर्टिकल देखते हैं। एक 20th of August से 24th of August हर साल ग्लोबली वर्ल्ड वाटर वीक ऑर्गेनाइज किया जाता है। सो बेसिकली इट इज द ईयरली ग्लोबल वाटर फोरम दैट इज ऑर्गेनाइज बाय स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। इस बार की थीम सीड्स ऑफ चेंज, इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर अ वाटर वाइज वर्ल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो करंट वाटर चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं उसकी बातें। लेकिन देखो हर चीज ऐसे नहीं होती है, आपको जब आप मेंस के लिए कोई भी चीज देखते हो ना तो आपको उसके दूसरे एस्पेक्ट्स पे बात करनी होती है। दूसरे एस्पेक्ट्स बोले तो दूसरे एस्पेक्ट का मतलब चैलेंजेस क्या है। हम हमेशा अपनी गलतियों से सीखते, तो पास्ट की स्कीम से क्या सीखा, राइट। करंट में जो चल रहा है वो तो ठीक है, लेकिन आपने 2019 में हमने जल जीवन मिशन लेकर आया था अगर याद हो तो, सेफ और एडवोकेट ड्रिंकिंग वाटर सबको मिले और थ्रू दी हाउस होल्ड टैप कनेक्शंस बाय 2024 तक टू एवरी हाउस होल्ड इन द रूरल इंडिया, राइट। तो आपने को ये देखना है कि इसमें दिक्कतें क्या थी। बींग अ सिविल सर्वेंट, बींग एन ऑफिसर जो कल को आप बनोगे, तो यही चीजें हैं, पॉलिसीज फ्रेम करना, राइट। तो आपको पहले क्या करना है, यू हैव टू सी द शॉर्टकमिंग्स ऑफ पास्ट प्रोग्राम्स। आपके इंडिया के एफर्ट्स 1950s से हैं, बेसिक वाटर सप्लाई देना टू द रूरल एरियाज, और ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान का था ये, राइट। फिर उसके बाद नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई प्रोग्राम 1969, दिस इज द हिस्ट्री। फिर अप्रोच चेंज करी, फिर हम दूसरे इनिशिएटिव्स लेकर आए, राइट। सो नेशनल ड्रिंकिंग वाटर मिशन आया, चीजें चेंज होती रही, हर घर जल प्रोग्राम आया, फिर पाइप वाटर की बात करी। सो दिक्कत क्या है, जितनी स्कीम्स, इतने हिस्टोरिकल अटेम्प्ट्स हुए हैं, 2017 में हर घर जल प्रोग्राम आया, फिर 2018 में क्या हुआ, फिर 2019 में जल जीवन मिशन की क्यों बात करनी पड़ी। यहाँ पर आपको ये समझना चाहिए कि प्रीवियस स्कीम्स के शॉर्टकमिंग्स क्या थे, ये आप अपने आंसर्स में यूज कर सकते हो। अनसस्टेनेबल वाटर सोर्स, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस अनसस्टेनेबल वाटर सोर्स? सी, अनसस्टेनेबल वाटर सोर्सेस रिलायंस ऑन ग्राउंड वाटर। जब आप देखो, हम ग्राउंड वाटर पे बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं और उसे ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है, राइट। सो ये चीजें हैं जो आपको आपके प्रीवियस मतलब चीजों से समझ आती है। पीपल यूज टू मच ग्राउंड वाटर विच इज लाइक वाटर फाउंड अंडरग्राउंड, राइट। बिकॉज ऑफ दिस सम प्लेसेस स्टार्टेड रनिंग आउट ऑफ द वाटर, इवन विलेजेस दैट हैड वाटर बिफोर वो भी दे हैव स्टार्टेड लूजिंग द एक्सेस टू इट। फिर उसके बाद लैक ऑफ कम्युनिटी ओनरशिप, कम्युनिटीज मतलब पीपल हु लिव इन दोज प्लेसेस, कम्युनिटी मिलके, दे डिडंट फील लाइक द वाटर वॉज रियली देयर्स टू टेक केयर ऑफ, ऐसा लगता ही नहीं था। वाटर फैसिलिटीज वरंट वेल मेंटेन्ड एंड दे स्टॉप्ड वर्किंग प्रॉपरली ओवर द टाइम। फिर उसके बाद पीपल डिडंट रियली नो व्हाट वाज हैपनिंग विद द वाटर, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, दे डिडंट अंडरस्टैंड द सिचुएशन वेल, एंड दिस मेड इट वेरी हार्ड टू मेक गुड डिसीजंस अबाउट कि आप कैसे चीजों को फिक्स करोगे।
पैसा लग रहा था लेकिन देयर वॉज मिसमैनेजमेंट ऑफ फंड्स. पानी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मनी वॉज स्पेंट बट इट वॉजंट बींग यूज इफेक्टिवली. इवन विद अ लॉट ऑफ मनी द वॉटर प्रॉब्लम डिंट गो अवे, राइट. फिर उसके बाद देखो ये सब हुआ, प्रीवियस स्कीम्स की शॉर्टकमिंग्स हैं. फिर जल जीवन मिशन जिसकी मैं बात कर रही हूँ, 2019 का जल जीवन मिशन, राइट. अब वो मिशन आया 2024 तक, वी वांट सारे रूरल हाउसहोल्ड्स जो हैं इंडिया के अंदर उनको टैप कनेक्शंस आप प्रोवाइड करना चाहते हो. जल जीवन मिशन से क्या लर्निंग्स ली है? जल जीवन मिशन की लर्निंग्स ये हैं, सी मिशन बहुत अच्छा है और पर्पस भी बहुत सही है, व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम इट. जल जीवन मिशन कोई छोटा प्लान नहीं है, 2019 में शुरू हुआ, 2024 तक चलने वाला. इट्स लाइक अ बिग प्लान टू मेक श्योर एवरीवन हैज एनफ वाटर टू ड्रिंक यूज. द मिशन इज रियली स्मार्ट बिकॉज इट नोज दैट वाटर कैन कम फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस. सरफेस वाटर हो गया, ग्राउंड वाटर हो गया. सो जो मिशन है ना, इट वॉन्ट्स टू यूज बोथ ऑफ दीज सोर्सेज and also make sure that we keep adding more water back to into the ground to help the nature, right. So ye sari cheeze to rahi hi hain, aapne ye learnings li hai from the past ki aap alag alag sources ke water sources ko utilize kar rahe ho, us pe focus kar rahe ho. Community engagement jo previous galti thi wo yahan par aapne dala, right. Communities ko sensitize karna and implementing officers at all the levels, active participation community के होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. फिर उसके बाद information sharing, कितना progress हुआ, एक healthy competition होना चाहिए, आप encourage करो, एक scoreboard हो जो हर कोई देख सके कि communities कैसे कर रहे हैं, officers कैसे कर रहे हैं, ताकि आप बाकियों को भी encourage करो, right. And holistic approach मतलब when you are doing many things together. Disaster preparedness, bulk water transfer, technological interventions, grey water management. So this program encompasses this disaster preparedness also. अब इंडिया में करंटली वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट को लेके क्या क्या चैलेंजेस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी हमने पीछे कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट पढ़ा था. एक तो इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स, इंटरस्टेट कॉन्फ्लिक्ट जो हो रखी हैं पानी शेयरिंग के बीच में, ये बहुत ज़्यादा टेंशन्स क्रिएट करती है. जैसे कर्नाटका और तमिलनाडु का अभी हमने रिसेंटली पढ़ा था कि तमिलनाडु चाहता है कि कर्नाटका इतना पानी दे अभी के लिए, लेकिन कर्नाटका कह रहा है पीछे पानी ही नहीं है, जब बारिश नहीं होगी, नॉर्मल मानसून नहीं आएगा तो कैसे वो आगे पानी दे. सो ये कावेरी रिवर को लेकर डिस्प्यूट चलता रहता है और ये इम्पॉर्टेंट है. मैंने ये फ्रॉम स्क्रैच, प्लीज गो, जिसको भी पता हो कमेंट सेक्शन में बताना कि वो कौन सा सेशन था वेर आई टोल्ड कि इसको फ्रॉम बिगनिंग मैं कवर कर रही हूँ, क्योंकि ये बार बार रिपीट होगा. इस पे एडिटोरियल्स आ गए हैं अभी रिसेंटली, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. अगर आपने इसको एक बार समझ लिया है तो बाद में दिक्कत कभी नहीं आएगी. वो कौन सा लेक्चर था, कौन सी डेट का था, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो ताकि बाकियों को भी हेल्प मिल जाए. और बाकी तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप रेगुलर रहें सेशंस में. देखो कितना एक होता है ना, आई हैव नंबर ऑफ फ्रेंड्स बट क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है. मेक ग्रुप गुड फ्रेंड्स, चाहे एक हो वो भी काफ़ी है, 10 होने से अच्छा. सो वही है, क्वांटिटी से ज़्यादा पानी की क्वालिटी एक ग्रेव इशू है. कंटामिनेशन इतना हो रहा है, इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज होता है, एग्रीकल्चर रन ऑफ होता है, इनएडवोकेट सैनिटेशन है, वाटर बोर्न डिसीजेज होती हैं, पब्लिक हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ता है, स्पेशली रूरल एरियाज में. ये अभी इंडिया करंट चैलेंजेस फेस कर रहा है. सरफेस वाटर पे फोकस है, ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है. अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा रैपिड है, जिसमें पानी की डिमांड ऑब्वियसली बढ़ेगी, ओवर एक्सप्लोइटेशन होगा रिसोर्सेज का. सो दीज आर द थिंग्स दैट इंडिया इज करंटली फेसिंग. काफी रूरल एरियाज में आज भी वुमेन्स एंड गर्ल्स बियर दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फेचिंग द वॉटर, तो जेंडर डायनेमिक भी एड हो गया, राइट. तो ऑब्वियसली मतलब हैरेसमेंट हो गया, वॉयलेंस, इतना लंबा दूर तक चलकर आना, पानी लेकर आना, ये आज भी है. एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, इट लिमिट्स दीज अपॉर्चुनिटीज. क्लाइमेट चेंज, ग्लेशियर रिट्रीट, राइट. सो दिस कैन ऑब्वियसली, हिमालयन ग्लेशियर्स जो हैं, जो मेन वाटर सोर्स है फॉर सेवरल इंडियन रिवर्स, दे आर रिसीडिंग ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, जिससे मिलियंस ऑफ लाइफ
रिवर्स इरिगेशन के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए डिपेंड करती है, इस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। वेस्ट वाटर मैनेजमेंट की जैसे अभी मैं बात कर ही रही थी, तो लैक ऑफ एफिशिएंट वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, सो दीज आर द करंट चैलेंजेस दैट इंडिया इज फेसिंग एंड वी हैव टू टुगेदर वर्क अपॉन इट, राइट। देन यू हैव पेंच टाइगर रिजर्व, मैप में लोकेट करो जरा, महाराष्ट्र और एमपी। They recently introduced cycle safaris, allowing visitors to experience the beauty of nature on wheels. So, इसीलिए ये न्यूज़ में था। MP में पड़ता है और फिर महाराष्ट्र की नागपुर डिस्ट्रिक्ट है ना, it continues there as a separate sanctuary. So, this tiger reserve is located in the southern reaches of Satpura Hills in the Sioni and Chindwara district of MP and Nagpur in Maharashtra. Pench Tiger Reserve का नाम ही Pench River से आता है। मैप में अगर आपने देखा हो तो ऊपर जितने भी वो टाइगर रिजर्व्स हैं वो सब ये कवर किए हुए हैं हमने, संजय डुबरी, बांधवगढ़, पन्ना, कान्हा, तडोबा अंधेरी, कवल, श्याद्री, नवेगांव, नागजीरा, सिंपलीवाल, पलामाऊ, वी हैव कवर्ड एवरीथिंग, इंद्रावती। सो जितना आप सेशन में रेगुलर रहोगे उतना फ़ायदा होगा, और ये बार बार मैप में अगर देखते रहोगे तो आप वही, अगर खुद से मैप में लोकेट कर रहे हो तो आप जब मैप में लोकेट दोबारा करने जाओगे ना, फिर होगा ये तो हम पांचवी बार कर रहे हैं, राइट। सो दैट इज़ व्हाट यू हैव टू डू। जब रिविजन्स का कोई नंबर नहीं है, 5 या 10 ऐसा कोई नंबर नहीं है, जब ऐसा हो जाए कि वो कितनी बार करूँ वो, तब समझ लेना कि रिविजन अच्छी चल रही है, ठीक है। अब ये जो है पेंच टाइगर रिजर्व, इट कंप्राइजेज ऑफ इंदिरा प्रियदर्शिनी पेंच नेशनल पार्क, पेंच मोगोली सेंचुरी एंड अ बफर। So the area of this tiger reserve and the surrounding area is a real story area of Rudyard Kipling famous The Jungle Book. Terrain undulating hai, small hills hai, steep slopes hai, aur vegetation jo hai thoda dry deciduous forest, moist, ye sab aapko dekhne ko milenge, teak, sag, mahua, grasses, shrubs, flora. Fauna ki baat kare to cheetal, sambar and wild boar. नीलगाय, सो दीज आर द स्पीशीज। द की प्रीडेटर इज अ टाइगर फॉलोड बाय लेपर्ड, राइट। सो देर आर 325 स्पीशीज देर आर ओवर, यहाँ पर आपको मालाबार पाइड हॉर्नबिल, सो ये काफी स्पीशीज देखने को मिलेंगी। नाउ मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट आर्टिकल, ये भी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसकी मैं बात कर रही थी आपके साथ, कि सवाल पूछा जा सकता है, ऐसा लगेगा कि मतलब कोई नया सा नाम है, बट नया सा नाम है इसीलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सो जिस सेंचुरी की हम बात करने जा रहे हैं, ये न्यूज़ में क्यों है पहले थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं। सो दिस सेंचुरी इज एक्चुअली इन न्यूज़ बिकॉज ऑफ व्हाट रीजंस, इसमें ना इको सेंसिटिव जोन भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सो वो भी देख लेंगे। रिसेंटली ना गुजरात स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, there was a discussion by this board regarding a proposal from the Gujarat State Minerals Development Corporation. Proposal क्या था? Proposal was about getting permission to use more land in eco-sensitive zone of the century. किस लिए? To clear away a dump of metal manganese. फिर ये जो decision था and on this proposal it was postponed for later. अब eco-sensitive zone news में आ गया तो पहले तो eco-sensitive zone भी पता होना चाहिए, right? सेंचुरी के बारे में भी पता होना चाहिए। पंचमहल डिस्ट्रिक्ट में ये सेंचुरी पड़ती है, गुजरात के साउथ सेंट्रल पार्ट के अंदर। इट कंटेन्स ग्रासलैंड्स, वाटर बोन प्लांट्स, मेडिसिनल हर्ब्स, ड्राई सर्दर्न ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ड्राई डेसिडियस मिक्स, मतलब काफ़ी वेजिटेशन आपको देखने को मिलेगा, टीक, बैम्बू, ये सब। और इको सेंसिटिव जोन क्या है, यहाँ से UPSC सवाल पूछ सकती है। एक वाइल्ड लाइफ एरिया है, एक बीच में बफर जोन होता है ना, जो एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है, जैसे एकदम से चीज़ें नहीं होती, कोई बीच में एक ऐसा एरिया हो दैट अराउंड दैट प्रोटेक्टेड वाइल्ड लाइफ एरिया दैट इज केप्ट सेफ टू इंश्योर द वेलबींग ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड एनवायरनमेंट, राइट। सो दैट इज योर इको सेंसिटिव जोन। थोड़ा सा इसको और इलैबोरेट करते हैं, ये स्पेशल एरियाज होते हैं नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के पास, मतलब ये प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टिव शील्ड लगा लो, राइट। मतलब जैसे एनिमल्स ने थोड़ा आगे जाना है तो एक तरीके से ऐसे लगा लो कि दीज आर द जोन्स दैट हेल्प कीप दैट एनिमल्स, प्लांट्स, एनवायरनमेंट हेल्दी। अब
ये जो जोन है, दी जोन्स यूजुअली दे कवर द लैंड विद इन 10 किलोमीटर्स, जैसे आपका नेशनल पार्क से आगे 10 किलोमीटर तक, ऐसा लगा लो। लेकिन ये रूल सुपर स्ट्रिक्ट नहीं है, ये हमने पहले भी कवर किया हुआ है, राइट? सो क्योंकि देखो, किसी भी एरिया को मैं बोलूँ 10 किलोमीटर तक का बफर जोन होगा, अब वो एरिया, जैसे कोई सेंचुरी, अगर अगर आप हिमालयस की बात करो, इधर वेस्टर्न घाट्स की बात करो, तो अलग अलग टेरेन है, राइट? सो डिस्टेंस माइट बी अ बिट डिफरेंट बेस्ड ऑन द प्लेस। गवर्नमेंट कैन ऑल्सो मेक एरियाज फार्दर देन 10 किलोमीटर इंटू इको सेंसिटिव जोन इफ इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द नेचर। सो ऐसे भी हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, वाई डू वी हैव दीज, बिकॉज दीज आर शॉक एब्जॉर्बर्स, राइट? जैसे बिल्डिंग टू मैनी बिल्डिंग्स, मेकिंग टू मच नॉइस, पोल्यूटिंग एयर वाटर, सो ये सारी चीजें। अब जैसे एकदम से ही अगर मैं बोलूँ कि यहाँ खत्म होने के बाद यहाँ नॉर्मल लाइफ, तो ऐसा नहीं होता, राइट? सो दैट इज वाई इको सेंसिटिव जोन्स आर देयर, दीज आर द ट्रांजिशन एरियाज, ताकि जब ट्रांजिशन हो तो वो ट्रांजिशन स्मूथली हो। दैट इज वाई वी हैव इको सेंसिटिव जोन्स। देन यू हैव मिशन अमृत सरोवर। रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री प्रोवाइडेड इनसाइट्स इनटू द एडवांसमेंट्स मेड इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस मिशन एंड इनिशिएटिव दैट इज एम्ड एज एनहांसिंग वाटर सिक्योरिटी अक्रॉस वेरियस रीजन्स। क्या है? 2022 में 24th ऑफ अप्रैल इट वॉज लॉन्च एज अ पार्ट ऑफ इंडियाज आजादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेशन फॉर 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, 75, एटलीस्ट 75 अमृत सरोवर्स इन ईच डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस इंडिया, हम चाहते थे कि उनको, द मिशन एम्स टू रिजुविनेट देम टू ओवरकम द वाटर क्राइसिस। सो इसका टारगेट फॉर दीज वाटर बॉडीज सर्व्स एज अ क्रूशियल स्टेप। इसके अंदर जो मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व है, 8 मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स हैं, रूरल डेवलपमेंट, लैंड रिसोर्सेज, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। सो दे आर एक्टिवली कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू दिस मिशन। टेक्निकल पार्टनर फॉर दिस मिशन, ये आपके थोड़े से फैक्ट्स आ गए हैं जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं, भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक। अगर उसके बारे में पूछ लिया जाए तो ये एक ऑटोनमस सोसाइटी है, दैट इज रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट। प्रोग्रेस और अचीवमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेन्स के परस्पेक्टिव से। सो फार आउट ऑफ ओवर 1 लाख आइडेंटिफाइड अमृत सरोवर, द वर्क हैज बिन स्टार्टेड फॉर ओवर 81,000 अमृत सरोवर्स। आप क्या चाहते हो? इनको कंस्ट्रक्ट करना, इनको रिजुविनेट करना। देखो, हर चीज में चैलेंजेस तो होते ही हैं, स्टेट स्पेसिफिक एंड कुछ एडवांसमेंट्स भी होती हैं। सो यहाँ पर सेवरल स्टेट्स हैव मेड कमेंडेबल स्ट्राइड्स टुवर्ड्स अचीविंग दिस गोल ऑफ 75 अमृत सरोवर। सो कुछ स्टेट्स के नाम हैं दैट आर स्टिल वर्किंग टू मीट दिस टारगेट, तो ये कुछ स्टेट्स हैं। एंड ब्रिजिंग द रिसोर्स गैप, फाइनेंशियल ग्रांट का रिसोर्स ग्रैप, राइट? सो किसी भी मिशन के सक्सेस के लिए जो फाइनेंशियल ग्रांट होता है ना, वो उसके ऑब्जेक्टिव को रियलाइज कराने में रह जाता है। सो वो इंश्योर करना, ये एक चैलेंज है जो आप हर किसी में ऐड कर सकते हो। लोकल पार्टिसिपेशन, वही अभी हमने वर्ल्ड वाटर वीक में भी देखा, सिटीजन की एंगेजमेंट, वाटर सिक्योरिटी थ्रू कोलैबोरेशन, जहां पर अभी वही हमने पढ़ा था कि ऐसी चीजें हों जहां आप कुछ अच्छा कर रहे हो तो सामने वाला भी आपसे सीख के वही काम करे, अच्छा वो अच्छा कर रहे हैं, हम भी वैसा कर सकते हैं। सो दैट गोज विद इट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, टेक्निकल पार्टनर्स, लोकल कम्युनिटीज, सब साथ में काम करें, हॉलिस्टिक अप्रोच और थ्रू कोलैबोरेशन, राइट? देन यू हैव तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LSP-7 सक्सेसफुली फायर्ड अस्त्र ऑफ द कोस्ट ऑफ गोवा ऑन 23rd of August 2023। ये आपके प्रिलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफेंस सेक्टर के अंदर आता है, तो इसके बारे में कुछ चीजें हैं जो ध्यान में रख लोगे तो बात बन जाएगी, अगर कहीं से भी सवाल आया तो आप इसको यू कैन टेक दैट। तेजस इज लाइक दैट स्पेशल काइंड ऑफ एयरप्लेन, सिंपल सी टाइम बात में बताऊं, सो दे आर मेड फॉर कॉम्बैट, मतलब सिंपल लेमेन टर्म में इट इज डिजाइन फॉर फाइटिंग इन द एयर, एज सिंपल एज दैट, इससे ज्यादा सिंपल नहीं हो सकता। रिसेंटली वन ऑफ दीज तेजस प्लेन्स दैट इज नोन एज LCA-LSP-7, इट डिड रियली समथिंग वेरी फैसिनेटिंग। इट फायर्ड अ मिसाइल दैट इज कॉल्ड अस्त्र मिसाइल इन टू द स्काई वाइल फ्लाइंग ओवर द ओशन नियर गोवा, दैट वॉज अ वेरी बिग सक्सेस। अस्त्र मिसाइल के बारे में बात कर लेते हैं, एयर टू एयर मिसाइल बियॉन्ड विजुअल रेंज, राइट?
इट इज टू एंगेज एंड डिस्ट्रॉय हाईली मैन्यूवरिंग सुपरसोनिक एरियल टारगेट्स. तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी रहेंगी. एंड हु मेड DRDL, designed and developed by DRDL Research Center, RCI and other laboratories of DRDA. तो यहाँ पर obviously it is a major step towards आत्मनिर्भर भारत. और रही बात LCA तेजस की, तो ये सबको पता ही है, lightest, smallest and this aircraft is designed to carry a range of air-to-air, air-to-surface, precision-guided weapons. ध्यान में रखना. Maximum payload capacity 4000 kg और speed. ये चीजें हैं. This is your last article for today and a very important one. Prime Minister abhi wahi BRICS summit hui na South Africa. So wahan par South African president ko hamare Prime Minister ne recently gift kiya hai kya? Bidri work pair of Surahi from Telangana. तो ये पिक्चर जो थोड़ी सी है ये माइंड में रख लो. और ये इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि अभी तो देखो न्यूज़ में आ गई और किस तरीके से आइए जब गिफ्ट दिया है वो भी बाहर जाके दिस आर्टिस्टिक आइटम सुराही. सो दे आर मेड यूजिंग अ स्पेशल काइंड ऑफ मेटल क्राफ्ट दैट इज कॉल्ड बिद्री वेयर एंड दे आर फ्रॉम विच प्लेस इन इंडिया तेलंगाना. They are made by skilled artisans. These artisans use a metal craft technique that has its roots in Persia, right? So वहां से. So long time ago, मतलब अगर आप लगाओ 14th-15th century के आसपास, there were rulers who lived in place called Bidar in Karnataka. They started making this beautiful metal, right? So Khwaja Moinuddin Hasan Chishti brought this craft to India. From another place also. So that is why इसका एक historical significance भी है जो मैंने आपको बताया बिदार district का. और इसका origin भी मैंने आपको बता ही दिया 14th-15th century के आसपास. And the first Sufi who bought it in the form of utensils, right? So this art form developed in the kingdom and it was a mix of Turkish, Persian, Arabic influences. So ये थोड़ी सी बातें हैं जो आपके prelims के point of view से important हो सकती हैं. तो make sure that you remember it, right? So this was it. And अच्छा मेरे को एक सवाल बताना, क्या GI tag मिला हुआ है? चलो ये आपके लिए होमवर्क है. डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन GI tag है, GI रजिस्ट्री है या नहीं है, राइट? सो विद दिस, दिस इज योर मेंटर आरजू कोकर साइनिंग ऑफ फॉर टुडे. विल मीट यू ऑन मंडे. कल संडे है ना, मुझे एग्जैक्टली याद भी नहीं. हाँ कल संडे है. मंडे को मिलेंगे सेम टाइम सेम प्लेटफॉर्म. दिस इज योर मेंटर आरजू कोकर वंस अगेन साइनिंग ऑफ. टेक केयर एवरीवन. गुड लक, गुड विशेस. सेशन अच्छे लगते हैं तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल. थैंक यू. टेक केयर वंस अगेन. हैप्पी लर्निंग. ऑल द बेस्ट.